खबर की ओर, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्रालय ने जेकेडीएफपी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। जेकेडीएफपी को 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। जेकेडीएफपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है, ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी, गृह मंत्रालय ने जेकेडीएफपी को गैर कानूनी संगठन करार देते हुए इसे जो है बैन कर दिया है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है ये संगठन, ये कहना है केंद्र सरकार की तरफ से। तो जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को ये बड़ा झटका, क्योंकि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के को जो है 5 साल के लिए गैरकानूनी संगठन बताते हुए, करार देते हुए इसे बैन कर दिया गया है, इसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है ये संगठन, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से बयान सामने आया है। तो बड़ी जानकारी, जेकेडीएफपी को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को ये बड़ा झटका, गृह मंत्रालय ने इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया और 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन इसे घोषित किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है, जिसमें साफ तौर पर इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन बताते हुए 5 साल के लिए जो है इसे बैन कर दिया गया है। और ये भी साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से बयान सामने आया है कि ये जो पार्टी है, ये जो संगठन है, दरअसल भारत विरोधी गतिविधियां करते देखा गया है, शिकायत मिली है, जिसके चलते अब इस पार्टी को 5 साल के लिए अवैध घोषित कर दिया गया है। तो गृह मंत्रालय ने जेकेडीएफपी को, आपको बताएं कि ये बड़ा झटका, और इसी पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजय हुसैन मेरे साथ जुड़ गए। अजय, जिस तरीके से जेकेडीएफपी संगठन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इसे अवैध घोषित कर दिया गया है, गैर कानूनी संगठन बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गृह मंत्री की जानिब से जो एक अभी नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें जेकेडीएफपी यानी जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को जो है बैन कर दिया गया है, और इसको जो है यूपीए और बाकी जितने भी एंटी इंडियन जितने भी प्रोग्राम है, एंटी मिलिटेंट एक्टिविटीज में इसको शामिल करने की उसमें साजिश में बताई गई है, और इस तरीके से इसको बैन कर दिया गया है। आपको ये भी मैं बता दूं कि जेकेडीवाईएफ का जो प्रवक्ता, जो चेयरमैन है शिबीर शाह, वो ऑलरेडी कई सालों से जेल में भी है, और उसको भी यही धाराएं लगाई गई है कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में वो मुलविस है, और उसके खिलाफ भी अभी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वो अभी जेल में ही है। और इसके बाद में जो ये पार्टी जो ये चला रहे थे, जेकेडीवाईएफपी जो जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम पार्टी थी, तो इसको भी फिलहाल एमएचए की तरफ से बैन कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये जो है गृह मंत्री के लिए जानिब से एक बड़ा कदम है, और इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी एंटी इंडियन या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस है उसको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरीके से ये एक बड़ी खबर है अभी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, जिस तरीके से अजय लगातार अगर हम घाटी की बात करें, एक के बाद एक तमाम जो है आतंकी घुसपैठ की खबरें भी हम लगातार देख रहे थे, और कई आतंकियों को सेना के जवानों ने मार भी गिराए, ऐसे में इस लिहाज से देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। देखिए, गृह मंत्री या केंद्रीय सरकार की जानिब से जो पहले ही डे फर्स्ट से ही जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से लेके अभी तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई है, चाहे मिलिटेंसी रिलेटेड या हम बाकी जितनी भी गतिविधियां हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, जिसमें आज जो ये बैन की गई है, जो ये पार्टी है इसको बैन कर दिया गया, इसके अलावा जो जमात इस्लामी या हुर्रियत आइन जितनी भी अलगाववादी जितनी भी पार्टियां थी उनको भी बैन करके रखा है, कहीं ना कहीं जो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है केंद्र सरकार और गृह मंत्री की जानिब से जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही है, और हमने देखा कि पूरी घाटी में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने जिस तरीके से कार्रवाइयां अंजाम दी है, और जिस तरीके से उन्होंने जितने भी मिलिटेंसी एक्टिविटीज में मुलविस है, चाहे वो ओजीडब्ल्यूज है, चाहे कोई भी हो, चाहे उसमें कोई मुलाजिम हो, कोई एम्प्लॉय हो, या कोई
कोई भी शख्स हो तो बिला लिहाज व मिल्लत उसको जो है बुक कर दिया गया है और उसके खिलाफ जो है बाजाबता तौर पे इन्वेस्टिगेशन की गई। और इसी का नतीजा यह है कि आज जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो काफी हद तक गिर चुका है। जिस तरीके से रिसेंटली जो आईजी सीआरपीएफ की तरफ से श्रीनगर में बयान आया था कि श्रीनगर जो मेन सिटी है जम्मू कश्मीर की, जो मेन सिटी श्रीनगर है उसको फ्री मिलिटेंसी, क्योंकि वहां पर कोई मिलिटेंट अभी पूरे सिटी में कोई एक्टिव नहीं है। लेकिन इसके बाद में अगर साउथ ऑफ नॉर्थ कश्मीर की बात करें बहुत कम संख्या में जो मिलिटेंट है वो बचे हैं और जिनकी ऐसे में क्या आजाद जेके डीएफपी के नेताओं के कार्यकर्ताओं की कोई प्रतिक्रिया अब इसको बैन करने के बाद आ रही है? देखिए जिस तरीके से मैंने पहले ही जिक्र किया कि इसका जो मेन प्रवक्ता जो शब्बीर शाह है वो ऑलरेडी कई सालों से जो है जेल के अंदर है, उसके खिलाफ जो एनआईए की तरफ से जो केस दर्ज की गई है उसके खिलाफ अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो अभी जेल में है। बाकी जितने भी अलगाववादी नेता है जिनको भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या कोई भी मिलिटेंसी एक्टिविटीज में जिसको भी शक शुबा है उनको सबके ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा है और वो सारे जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कई एक जो नेता है उनमें से वो जेल में बंद है और कई एक नेता जो है अंडर सस्पेक्टेड है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अभी तक जो है इसके खिलाफ कोई प्रक्रिया नहीं आई है। और जितने भी बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, उनकी ओर से भी अभी तक कोई इसके खिलाफ कोई जो है कोई प्रक्रिया नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं, प्रतिक्रिया ना आई हो। लेकिन ये बड़ा एक्शन साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका जो है तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।